हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से धमाकेदार गुड न्यूज़ आई है, जिसके कारण हो सकता है मंडे को फिर से हमें अपर सर्किट देखने को मिले ब्राइटकॉम ग्रुप में। ब्राइटकॉम ग्रुप पिछले दो मंडे से अपर सर्किट में है, कल भी मंडे को भी फिर से अपर सर्किट लगने के चांसेस है इस न्यूज़ के कारण। क्या है अपडेट फ्रेंड्स? कंपनी की ओर से 6 सितंबर को एक नया अपडेट आया है, जिसमें कंपनी ने कुछ चीज़ें हाईलाइट की है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी की मैनेजमेंट NSE BSE के ऑफिसर्स को मिल रही है, और जो ट्रेडिंग सस्पेंशन हुआ है, मंडे टू मंडे ही होता है, उसको डेली करने के लिए और NSE BSE के ऑर्डर रिवोक करने के लिए प्रोसेस चल रही है, जिसका नतीजा जल्दी ही आ सकता है। कभी भी ये अगर ऑर्डर आ गई NSE BSE की ओर से तो डेली ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। ये बड़ी बिग पॉजिटिव न्यूज़ है। नंबर टू, कंपनी ने बताया है कि AGM ऑर्गेनाइज करने के लिए पेपर वर्क चल रहा है, और जल्दी ही AGM के बारे में भी अपडेट कंपनी की ओर से आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगली बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर ऑडिटर्स काम कर रहे हैं, और क्वार्टर फोर के रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर किए जाएंगे, ऐसा भी कंपनी की ओर से कहा गया है। और कंपनी की ओर से फाइनल जो फाइनेंशियल जो ऑडिट रिपोर्ट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ये भी आती हुई देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में कंपनी जल्दी ही अनाउंसमेंट करेगी, ये भी कंपनी की ओर से बताया गया है। तो ये सब पॉजिटिव अपडेट होने के कारण हो सकता है कि फिर से मंडे को हमें स्ट्रांग अपर सर्किट देखने को मिले ब्राइटकॉम ग्रुप में। कंपनी की ओर से ये जो अपडेट दिया गया है, ये इसी कारण दिया गया है कि मंडे को कोई पैनिक ना हो, क्योंकि मंडे को मार्केट अगर क्रैश हुआ तो ब्राइटकॉम ग्रुप में फिर से लोअर सर्किट लगने के चांसेस थे, तो कंपनी ने उसके पहले ही ये पॉजिटिव अपडेट्स दिए हैं, जिसके बारे में सबके मन में सवाल था कि भाई आगे क्या हो रहा है, क्वार्टर फोर का रिजल्ट कब आएगा, और जो सस्पेंशन है ट्रेडिंग का उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो कंपनी ने यह अपडेट देकर बता दिया है कि भाई टेंशन मत लो, हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और उसी के बारे में कंपनी ने बताया है। तो ये पॉजिटिव बात है। कंपनी ने इसमें ट्रेनोवा के बारे में भी मेंशन किया है कि ट्रेनोवा भी हांगकांग और लंदन में अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए काम कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी ने सभी जो अभी पॉजिटिव अपडेट्स हैं, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में भी कंपनी ने बताया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट किए हैं वगैरह, तो ये ठीक है। पर जो तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट थे जिसपे सबकी नज़र थी, उसके बारे में कंपनी ने हमें एडवांस में ही बता दिया है मंडे के पहले कि भाई मंडे को लोअर सर्किट मत लगने देना, हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बताकर कंपनी ने बताया है कि हो सकता है मंडे को भी फिर से हमें पॉजिटिविटी देखने को मिले ब्राइटकॉम ग्रुप में, ये अच्छी बात है। देखते हैं मंडे को क्या होता है, बट ये अपडेट के कारण हो सकता है मंडे को फिर से हमें अपर सर्किट देखने को मिले, भले ही मार्केट में कुछ भी हो। आशा करते हैं मंडे को फिर से अपर सर्किट देखने को मिले, और शेयर का प्राइस जो इतना घट चुका है फास्ट रिकवर होते हुए देखने को मिले। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए धमाकेदार रॉकेट शेयर, जो कि मार्केट के गिरावट में भी ऊपर जाता है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर शेयर, तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।